नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद से पूरी कमलनाथ सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लग गई है। अखबारों में सीएम कमलनाथ के बड़े बड़े विज्ञापन आए, लेकिन टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद लगभग 5 बाघों की मौत पर अब प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। साथ ही प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान लग रहा है। दरअसल बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2 दिनों में 3 बाघों की मौत तब हुई जब 3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। अब बांधवगढ़ में फिर भी एक टाइगर ने दम तोड़ दिया है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस सामने आ गई है। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि कमलनाथ जी की सरकार के प्रयासों से 5-6 महीने में टाइगर स्टेट नहीं बना मध्य प्रदेश। ये हमारी सरकार थी जिसने 15 साल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम किया। शिवराज जी ने बहुत मेहनत की, बहुत योजनाएं बनाई, उनके कारण से टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला। लेकिन अपनी पीठ थपथपाने वाली कांग्रेस या कमलनाथ जी को यह समझना चाहिए कि 6-7 महीने में लगातार बाघों की, उनके शावकों की मृत्यु हो रही है और निरंतर बड़ी दुखद घटनाएं घटित हो रही हैं। ये टाइगर स्टेट का दर्जा कहाँ जाएगा, टाइगर बचेंगे या नहीं बचेंगे, समझ से बाहर है। जो हुए इसके ऊपर जांच भी, और मैंने माननीय मंत्री जी से अभी आग्रह भी करा है कि इस पर और सजग जांच भी रखें, क्योंकि कई राज्यों को समस्या होती है, कई लोगों को टेंशन होती है कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे इस स्टेट का दर्जा मिला है टाइगर स्टेट का। तो हम लोग इनकी सजगता के लिए, मुख्यमंत्री जी भी सजग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए और सभी बीमारियों के संक्रमण से इनको निजात दिलाने के लिए अभी एक नई पहल इसमें और भी चल रही है कि अब और रेगुलर चेकअप इनके लगातार होंगे, ताकि कहीं भी इनके स्वास्थ्य में भी जो वो उनको ध्यान रखते हुए, ताकि शेर हमारे लिए शान का है, शेर हमारे लिए फ़ख्र का, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, इसके लिए हम पूरी कोशिश करके उनको बेहतर रूप से इसके ऊपर हमारा ध्यान। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।